Hello, good morning, and wish you all a very happy Guru Purnima. So in today's chapter, we will focus on how to write an informal letter. The first thing you must know, what is an informal letter? Informal letter hai kya bala? Ye hai kya cheez? ठीक है, तो इनफॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स होता है जिसमें किसी तरह की फॉर्मेलिटीज, किसी तरह की फॉर्मल लैंग्वेज यूज नहीं होती है. और इनफॉर्मल लेटर्स हम लिखते हैं अपने क्लोज वंस को, अपने एक्विंटेंसेस को, अपने परिचित को. ठीक है, और इनमें कौन आता है? जिसके साथ हम कोई फॉर्मेलिटीज नहीं करते हैं, जिसके साथ हम कैजुअल बातचीत करते हैं, कैजुअल कम्युनिकेशन होती है हमारी, वो आते हैं हमारे फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स. उनके लिए हम इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं और ये एक तरह का पर्सनल कम्युनिकेशन होता है. सबसे अच्छी बात इसकी ये है, सबसे खास बात इसकी ये है कि इसमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो नहीं करना पड़ता है. सिचुएशन को देखकर ही ये लेटर लिखे जाते हैं. ठीक है, लेकिन एक पैटर्न होता है जो आमतौर पर फॉलो किया जाता है और ये गाइडलाइन जो है ज्यादा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है. ठीक है, तो लेट्स बिगिन. सबसे पहले राइट योर एड्रेस, एड्रेस ऑफ द राइटर यहां पर आएगा. फ्रेंड का एड्रेस नहीं लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है. देन लीव वन लाइन, डेट, लीव अनदर लाइन, नेम ऑफ द फ्रेंड, और उसके बाद आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी. आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट. एज योर समर वेकेशन हैज ऑलरेडी बिगन, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्वाइट यू टू स्पेंड सम डेज ऑफ समर वेकेशन विद मी इन शिमला. क्वेश्चन आपका क्या है? लेटर टू अ फ्रेंड आस्किंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन विद यू. क्वेश्चन में कई बार आता है विद यू इन शिमला या फिर विद यू इन मनाली. ठीक है, आमतौर पर यही दो प्लेसेस आते हैं. तो अगर शिमला का आएगा तो यू विल मेंशन द प्लेसेस ऑफ शिमला. अगर मनाली का आएगा तो आप मनाली के प्लेसेस मेंशन करोगे. ये तो कॉमन सेंस की बात है. ठीक है, कि ऐसा नहीं कि फ्रेंड को लेटर आया कि शिमला में आपने बुलाना है समर वेकेशन स्पेंड करने के लिए और आप शिमला में लिख रहे हो कि आप शिमला में हिडिम्बा माता टेम्पल घूमोगे, सोलंग वैली घूमोगे. ठीक है, तो थोड़ी सी कॉमन सेंस भी लगा दीजिए. तो अब यहां पर हम स्टार्ट करते हैं. हाँ, तो यहां से हम स्टार्ट कर रहे थे विद मी इन शिमला. ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ हो गया. ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या कहा था? मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमेशा पर्पस लिखना है कि हम ये लेटर क्यों लिख रहे हैं. तो हम ये लेटर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम तुम्हें इनवाइट कर रहे हैं शिमला में समर वेकेशन अपने साथ स्पेंड करने के लिए, क्योंकि तुम्हारी समर वेकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है. देन वी विल स्टार्ट सेकेंड पैरा. और सेकेंड पैरा में क्या है? आप मेंशन करोगे कि तुम्हें शिमला क्यों आना चाहिए, हम शिमला में हॉलीडेज में क्या क्या मौज मस्ती करने वाले हैं. ठीक है, देर आर मैनी प्लेसेज ऑफ इंटरेस्ट इन शिमला लाइक द मॉल, द रिज, क्राइस्ट चर्च, जाकू समर हिल, मशोबरा, कुफरी, नालदेरा एंड सो ऑन. जो शिमला से वाकिफ है वो इसको मजे मजे में आराम से लिख सकता है. वी विल ऑल्सो विजिट टू द हिस्टोरिकल प्लेसेज लाइक द पीटर हॉफ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज एंड द स्टेट म्यूजियम. यू विल हैव लॉट ऑफ फन एट द आइस स्केटिंग रिंक एंड जाकू रोपवे. पीपल कम फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू सी दीज ब्यूटिफुल प्लेसेज इन शिमला. पर इन केस अगर आपको मनाली में आता है कि आपने मनाली में इनवाइट करना है तो आप लिखोगे प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन मनाली लाइक. अब मनाली में कौन कौन से प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर प्लेसेस है वहां पर भी. जैसे अभी मेंशन किए थे मैंने, हिडिम्बा टेम्पल हो गया. जहां से आप स्टार्ट करोगे प्लेसेज ऑफ इंटरेस्ट इन मनाली लाइक द हिडिम्बा टेम्पल, सोलंग वैली, तिब्बतन मोनेस्ट्रीज, वशिष्ठ हॉट वाटर स्प्रिंग, जोगिनी फॉल, रोहाला फॉल, नगर विलेज, मॉल रोड, ब्यास कुंड एटसेट्रा. फिर उसके बाद यू विल हैव लॉट ऑफ फन या फिर वी विल हैव लॉट ऑफ फन एट द आइस स्केटिंग रिंग एंड जाकू रोपवे. इसकी जगह आप लिख सकते हो कि लॉट ऑफ फन इन पैराग्लाइडिंग एंड रिवर राफ्टिंग एट ब्यास. पीपल कम फ्रॉम सेम, यही लाइन आ जाएगी. और लास्ट में आई होप यू विल श्योरली स्पेंड सम डेज ऑफ समर वेकेशन विद मी. ठीक है, कि उम्मीद है कि तुम जरूर अपनी कुछ छुट्टियां जो है वो मेरे साथ स्पेंड करोगे. और इस तरह से आपने अपने लेटर की एंडी करनी है. कन्वे माय रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी. अंकल और आंटी को मेरा सादर प्रणाम. योर्स सिंसियरली अक्षय. और जो लास्ट में आप अपने साइन है आप ये भी लिख सकते हो कि विद लॉट्स ऑफ लव, बेस्ट विशेज, योर लविंग फ्रेंड. ठीक है, इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं. तो इस तरह से जो हमारा लेटर है ये यहीं पर एंड होता है. किसी भी तरह की क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.